सिर्फ 20 मिनट लूंगा आप लोगों के। और इसी डिबेट में ये जो माननीय श्री 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 पुलकित आ रहा है, इसकी पूरी की पूरी कुंडली दिखाऊंगा आप। सुनिए ऐसा तिलक जी, ऐसे अपराधी का बायोडाटा लेने में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी अपराधी का बायोडाटा यहाँ लेने में। मैं बताऊंगा वो हमारी नजर में सिर्फ एक अपराधी। अभी बताऊंगा मैडम, प्लीज एक सेकंड। आपने कहा था ना रसूख का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ रसूख का मतलब क्या होता है। रसूख का मतलब होता है हाथरस। हाथरस सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। रात को बेटी को कैसे जलाया था कुलदीप सिंगर, याद है ना आप सबको? आपको याद होगा लखीमपुर खीरी। आप कहेंगे लखीमपुर खीरी क्या, टैनी तो याद होगा आपको सबको। ये मंत्री पुत्र मोनू मिश्रा है ना। और आप लोगों को याद होगा गुजरात में बिल्किस बानू। बिल्किस बानू का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि जब दोषी, आरोपी नहीं दोषी, जेल से बाहर निकलते हैं, उनकी रिहाई होती है और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है। अब मेरे एक सवाल का जवाब हनी जी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी अपनी बेटी के लिए तो मैदान में आ जाती है, अच्छी बात है, हर मां को आना चाहिए, लेकिन देश के भीतर ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, एक शब्द तक नहीं बोलती हैं, क्यों मैडम? अंकिता को लेकर बिल्कुल गलत है, बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल गलत है, बोलना चाहिए। आपने रसूख का जिक्र किया, ये रसूख ही है मैडम। आप बोलना चाहिए अपने अपने मतलब राज्य में अंकिता के साथ गलत हो गया तो स्मृति ईरानी जी मुंह तक नहीं खोलती है, क्यों? मैंने गलत सवाल पूछा हनी जी, गलत सवाल पूछा तिलक जी, बिल्कुल सही सवाल किया। और मैं मानती हूँ आना चाहिए था सामने, वो एक महिला है, उनको महिला के लिए ऐसी अगर घटना होती है तो बिल्कुल सामने आना चाहिए था, और हर महिला का ये कर्तव्य है। अब इसका बायोडाटा देखिएगा, विवादों से पुराना नाता रहा है जनाब का। टाइम्स नाउ की खबर बताती है कि पुलकित आर्या का अमरमणि त्रिपाठी से कनेक्शन, आपराधिक इतिहास रहा है और सब जानते हैं अमरमणि त्रिपाठी को। पुलकित ने फर्जीवाड़े के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक लिया। पुलकित पर 2016 में उसके खिलाफ केस हुआ था और पुलकित पर आरोप था कि उसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट अपनी जगह किसी और को बिठाकर परीक्षा पास करवा ली। बाद में कॉलेज ने उसे निकाल दिया, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते, जिस जिक्र का आप कर रही थी मैडम जिक्र, राजनीतिक रसूख के चलते उसे फिर से एडमिशन मिल जाता है। पुलकित आर्य पर साल 2016 में हरिद्वार में धारा 420 468 के तहत धोखाधड़ी का एक मुकदमा तक दर्ज था। आरोपी का पिता, जरा उनका बयान भी प्ले करिएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। और ये जो दिखा रहे थे अभी आप विनोद आर्या को मुस्कुराते और कहते हैं मेरा सीधा साधा मासूम बच्चा, पता नहीं, मैं डिबेट में बोलना नहीं चाह रही सीधे साधे मासूम बच्चे के लिए। चलिए कोई नहीं तिलक जी, मैं जानता हूं जी आप ये कहेंगे कि इससे हमारा क्या लेना देना, कानून के तहत कार्रवाई हुई। तो मुझे एक छोटे से सवाल का उत्तर दे दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बुलडोजर क्यों चलाया आपने, जबकि वो क्राइम सीन को क्रिएट करने में सबसे बड़ा सबूत होता। लेकिन क्या सस्ती लोकप्रियता के चलते आपने कहा कि बुलडोजर चलवा दिया जाए, वो भी जब मामले की जांच शुरू तक नहीं हो पाई थी? तो बुलडोजर चलाने का मतलब क्या था, और दूसरा वो वीआईपी कौन है? वहां पे पूरे एविडेंस को कलेक्ट किया जा चुका था, और ये सिर्फ अफवाह है तिलक जी, बुलडोजर पूरे रिजॉर्ट पे नहीं चला है। अगर लीगल था तोड़ा गया था, एक गुस्सा था, एक वो था, जो हुआ वो जाती थी है ना। तो फिर आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे आनी जी, न्याय के लिए? देखिए तिलक, ये मोमबत्ती सिर्फ जो है राज्य देखकर निकालते हैं आप लोग कि हम आज मोमबत्ती जो है इस राज्य में। तो ये जो मोमबत्तियां निकलती है ना, मैं आपको एक सीधा सा जवाब दूं ना, ये मोमबत्ती से भी मैं सहमत नहीं रहती हूँ। इसलिए पर्सनली ये जो मेरी राय है, मैं अपनी पर्सनल राय बताती हूँ।